बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है, वो चाहे किसी भी किस्म का दर्द हो। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सबको हर किस्म के दर्द से महफूज फरमा, आमीन। दोस्तों, अगर आप भी किसी किस्म के दर्द तकलीफ में मुबला है तो अपना मसला कमेंट में लिखें, या अपना नाम दुआ के लिए लिखें, या सिर्फ सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिख दें। जो भी लोग कमेंट पढ़ेंगे आप के लिए दुआ करेंगे, क्या पता किसी के आमीन कहने से हमारी तकलीफ दूर हो जाए। तो आज आपको पेट के दर्द का एक वजीफा बताने लगा हूँ। वजीफा बहुत ही मुख्तसर सा है। बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि आपको हर किस्म का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी को पेट में दर्द हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो वो चाहे किसी बच्चे को हो या बड़े को, तो सूरह नमल की आयत नंबर 48 वकान फिल मदीनते तिसअतु रहबतिन यफसदून फिल अर्द वला युस्लिहून, ये आयत 11 बार पढ़कर दम करें और हाथ से पेट पर मले, इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का पेट का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश किया करें कि जो बात आप अपने लिए अच्छी समझते हो दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें। हमें तो इजाजत मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।